कैसे मेरे गबरू जवानों, स्वागत है आपका नेशनल टेस्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आ गए हैं भाई दिल्ली के फेमस छोले भटूरे, और ये फेमस क्यों है उसके लिए भाई आप ये क्लिप देखिए। रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो फटूरे हो जाते हैं, वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। ताज़े जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे जो। थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। तो आ गए हैं भाई रामा के छोले भटूरे। यहाँ पे भाई विराट कोहली जी छोले भटूरे खा के गए हैं, इसलिए भाई इनके छोले भटूरे बहुत फेमस हैं। और भाई बहुत भीड़ होती है और बहुत नाम भी सुना भाई इनकी, बहुत वीडियो भी आ रखी हैं। हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा इनका स्वाद है, आपको भी दिखाएंगे और बताएंगे कि ये खाने लायक है कि नहीं है, वो वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कैसे हैं इनके छोले भटूरे। नमस्कार भैया जी। तो भैया जी क्या नाम है आपका? विजय। विजय, अच्छा। तो भैया कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? 26-27 साल। और मैंने सुना यहाँ पे विराट कोहली सर गोलगप्पे खा, वो छोले भटूरे खा गए हैं। अच्छा, तो मतलब कब खाए गए थे कोई पता है? कितने साल हो गए? 7-8 साल। अच्छा, तो भाई 7-8 साल हो गए हैं विराट कोहली जी यहाँ पे छोले भटूरे खा के गए। तो भैया छोले भटूरे के अलावा क्या क्या मिलता है? छोले भटूरे। अच्छा, तो कितने रुपए प्लेट है छोले भटूरे? 100 रुपए प्लेट दिख रही है मेरे को, लिखा हुआ लग रहा है। तो हम भी अपने लिए प्लेट लगवाते हैं छोले भटूरे की और टेस्ट करते हैं कैसा यहाँ का टेस्ट है। तो भैया प्लेट लगा दो छोले भटूरे। टीम में नहीं था, प्रैक्टिस किया करते थे तब आया करते। अच्छा, बाद नहीं आया भाई। अच्छा, जब से इंडियन टीम में चले जब से नहीं आए हैं? नहीं आया। अच्छा, इंटरव्यू दिया इंडियन टीम में। तो गाइस बातें बहुत हो गई, अब आपको मिलाते हैं यहाँ के छोले से। भाई यहाँ बनने जा रहे हैं भाई छोले। एक पतीला खत्म हो गया भाई, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और एक पतीला यहाँ का खत्म हो चुका है, ये दूसरा बनने जा रहा है। और उसके ऊपर डाल दिया भैया ने छोले का पानी, मसालेदार पानी जिसमें इनके छोले उबाले जाते हैं वाला पानी डाला गया है छोले में। भाई एक बार उबाल के छोले में तड़का लगा दिया गया है मसाले से, एकदम तड़केदार मसाले से। अब इसके ऊपर दोबारा फिर तड़का लगेगा, वो देखना भाई कितना मज़ा आएगा तड़का लगने में। ये भैया ने पानी डाल के छोले को तरीदार बना दिया है, एकदम भाई गीले गीले टाइप छोले बना दिए जैसे ओरिजिनल होते हैं। और छोले मिलाने के बाद अब इसके अंदर लगाएंगे भैया यहाँ पे तड़का। अगर भाई यहाँ पे आप छोले भटूरे खाने आ रहे हो तो भाई ये तड़का जरूर देखना, इसके अलग ही नजारे हैं। 1 2 3 आओ भाई, लग गया तड़का भाई। यार जब यहाँ पे तड़का लगता है ना तो भाई उसका अलग ही सीन है यार, जब तेल की आवाज जो निकलती है और जो भाई धुआं निकलता है, आए हे यार, उसका तो अलग ही जवाब है भाई। और यहाँ पे भैया ने छोले कितने स्वादिष्ट बना दिए भाई, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है यार, देख के ही मुंह में पानी आ जाए। अंकल जी ने बताया यहाँ पे किंग कोहली जब आते थे खाने के लिए, जब वो इंडिया टीम में नहीं थे, जब प्रैक्टिस करा करते थे, तब हमें दोस्तों के साथ यहाँ पे खाने के लिए आया करते थे। यार कुछ तो जादू है इनके छोले भटूरे में, क्योंकि विराट कोहली को 14 साल हो गए इनके छोले भटूरे खाए और अभी भी उनको भाई इनके छोले भटूरे की याद आती है और अभी भी इनके छोले भटूरे का टेस्ट पता है भाई उन्हें, तो समझ सकते हो भाई कैसा टेस्ट है इनका। तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं भाई भटूरे, विराट कोहली के पसंदीदा भटूरे। यहाँ पे रखा भाई पनीर, छोले भटूरे के अंदर हो रही है भाई पनीर की स्टफिंग। ये उठाया पनीर और ये पेड़े के अंदर डाला और ये उठा के पटक दिया भाई, और ऊपर से लगाएंगे भैया इसके ऊपर तेल। और ये देखो भाई तेल कैसे खोल रहा है कढ़ाई के अंदर, तड़प रहा है भाई कि जल्दी मेरे अंदर भटूरा डालो यार, कितना टाइम लगाओगे। और भैया ने यहाँ पे एक पेड़ा उठाया और हाथों से मसल के दोबारा वहीं रख दिया, क्योंकि अभी शायद भैया का मन नहीं कर रहा बनाने का। और यहाँ पे भाई देखो बराबर काम चल रहा है, पनीर में स्टफिंग कर रहा है वो अलग है, पैकिंग कर रहा है वो अलग है, भटूरे को फ्राई कर रहा है वो अलग है, छोले जो बना रहा है वो अलग है। और यहाँ पे भाई भटूरे बनने स्टार्ट हो गए हैं, भैया यहाँ पे चटपट चटपट वाली आवाज़ निकाल रहे हैं भटूरे के साथ, और भैया इसको फेंकेंगे। ये देखो भाई सुपरमैन की तरह गया सीधे कढ़ाई में भटूरा, अब भाई देखना भाई ये फूल के कैसे गुब्बारा बन जाएगा यार। तो भाई जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब करो भाई अभी, और लाइक जरूर कर देना एक, और वीडियो को शेयर इतनी करना कि विराट कोहली जी के पास ये वीडियो पहुंचे, जब वो भाई वर्ल्ड कप जीत कर आए तो इनकी ये छोले भटूरे की प्लेट जरूर खा कर जाए यार। और देखो भाई भटूरे कैसे भाई लाजवाब फूल गए हैं भाई, एकदम गुब्बारे की तरह। और इस तरफ से भाई एकदम भटूरा एकदम सुपरमैन की तरह छलांग मार रहा भाई खोलते हुए तेल के अंदर, भाई लाजवाब लग रहे हैं भटूरे यार, देख के भूख लग जा रही है। अब जल्दी से लगवाते हैं अपनी प्लेट
छोले भटूरे की। ये आ गई भाई प्लेट, इसके ऊपर गया भाई प्याज, अब इसके ऊपर आएगी भाई धनिया पुदीने वाली हरी वाली चटनी। आए है यार, देख के भूख लग रही है। और ऊपर से आ गया भाई हरी मिर्च और भाई आंवले का अचार, गाजर का अचार नहीं है यार, सॉरी विराट कोहली जी, गाजर का अचार नहीं दिखा पाया, आंवले का अचार है। अब इसके ऊपर आएंगे भाई छोले का कंटेनर, देखना भाई छोले, ये आ गए भाई छोले, ऊपर से आलू, आलू तो मैंने भाई मसालेदार आलू, भाई दिल्ली वालों की शान है छोले, छोले के अंदर मसालेदार आलू, और ऊपर से आ गए भाई दो फूले फूले भटूरे। तो भाई ये लग के रेडी हो गई भाई छोले भटूरे की प्लेट, 100 रुपए की प्लेट है भाई ये। अब इसको टेस्ट करते हैं भाई कैसा है। यार मैं भटूरा उंगली डाल के फोड़ना चाहता था, लेकिन यार भटूरा पहले ही पचक गया, और भाई भटूरे में इसका लाजवाब खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये बनाते हैं भाई पहली बाइट। ये लिया भाई, अब खा के देखते हैं कैसा है ना। वाह, जो भाई छोले हैं ना वो भाई बहुत ही चटपटे टाइप के हैं, और जब भटूरे के साथ खा रहे हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है। बढ़िया छोले भटूरे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, 100 रुपये ले रहे हैं तो भाई स्वाद भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है कि स्वाद नहीं है। एक भाई ये लगाते हैं, वेरी गुड टेस्ट है भाई, वेरी गुड, कोई कमी नहीं है भाई छोले भटूरे में, मैं कोई कमी नहीं बताऊंगा भाई। छोले भटूरे जैसे होते हैं उससे कई गुना बहुत अच्छे छोले भटूरे हैं। ये आमले का अचार है भाई, ये आमले का अचार भी दिया गया है, दो हरी मिर्च भी दी गई है, चटनी ऊपर से प्याज लगा के दिया जा रहा है, और ये भाई इनके छोले भाई लाजवाब छोले। और ये ट्राई करते हैं, गजब गजब। और यहाँ पे भैया छोले भटूरे खा रहे हैं, ये पूछते हैं कैसा टेस्ट है। क्या हाल भैया? भैया तो कैसा लग रहा है भैया टेस्ट? लाजवाब। भाई ने तो दो पूरा भटूरा खा लिया, बस एक बाइट बच रही है, लग रहा है बढ़िया लगा टेस्ट। तो कब से खाने आ रहे हैं यहाँ पर? 2020 से। 20 से? अच्छा, तो आपको पता है ना, पहली बार खाया था मैंने। तो आपको पता है कि विराट कोहली सर यहाँ पे खा के गए? नहीं, वो आपने बताया ना अभी, तब पता चला, मुझे पता नहीं था। भाई ये तो मजाक कर रहे हो आप, ये भैया दुकान ही विराट कोहली जी यहाँ पे खा गए, इसलिए फेमस हो रही है यहाँ पे, इसलिए इतनी भीड़ भी आती है। लेकिन भाई स्वाद भी इनके छोले भटूरे में, ऐसी बात नहीं है यार, लाजवाब उम्दा। ये यहाँ की टाइमिंग बता दो एक बार। 7 बजे से 5:30, सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे। और एड्रेस? एड्रेस है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, जेल रोड। भाई तिलक नगर मेट्रो स्टेशन जेल रोड, आपको दिखाई दे जाएंगे भाई रामा के छोले भटूरे, भीड़ नजर आ जाएगी भाई दूर से ही आपको यहाँ पर।